सत श्री अकाल जी, डीपीसी पंजाबी ते हेयर ट्रीटमेंट जोगिंदरपाल दे चैनल ते तुसीं देखदे पे हो अज दा इह वाला वीडियो, जिहदे च मेरे ख्याल नाल घट तो घट काफ़ी साल बाद जिहड़ा आ इह दुबारा जिहड़ा आ इह प्रोसैस शुरू कीता। बहुत सारिया संगतां, बहुत सारे सज्जणां दे जिहड़े आ सानूं फोन कॉल आ रही सी कि भाजी तुसीं दुबारा वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, दुबारा वीडियो पाओ तां कि जिहड़ा आ असीं दुबारा तो आ के अपना जिहड़ा आ ट्रीटमेंट लै सकीए। तो अज साडे तो दोबारा जिहड़े आ दिल्ली तो काफ़ी सज्जन पहुँचे ने, जिहड़े कि नवीं लोकेशन ते पहुँचे, तो नवीं लोकेशन ते फादर साहब जिहड़ा आ उहनां दा ट्रीटमेंट जिहड़ा उन्होंने शुरू कर दिता आ। तो गलबात करते हैं, दिल्ली तो भाजी आए हैं तो इन्हां नाल करते हैं गलबात भी एक कीमें पहुँचे तो किस तरह इन्हां नूं नवीं लोकेशन बारे पता लगा। तो दोस्तों बिल्कुल नवीं लोकेशन तो हेयर ट्रीटमेंट जोगिंदरपाल जी दे कोल जिहड़ा आ अज दिल्ली तो भाजी पहुँचे हुए ने, तो इन्हां दे नाल गलबात कर लेने भी ये कित्थों आए, किवें आए तो किन्ने चिर बाद आए। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से पहले भी आते थे? हाँ जी, मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देख के आज से एक साल पहले आया हूँ। तो कैसा लगा? हाँ, यहाँ पे कराने इनसे आपके फादर साहब से। तो नहीं, पहले जब आप आते थे इतना भीड़ था तभी? हाँ जी। तो आपने कैसे रिजल्ट देखे थे जहाँ? हाँ देखे हैं, और मेरे को विश्वास भी है कि हाँ जी फायदा हुआ भी है। आपको बेनिफिट हुआ? बेनिफिट हुआ है। लेकिन आप एक साल बाद है, साल में आपने वो जो ट्रीटमेंट बताते हैं वो नहीं किया? वो नहीं किया मैंने। नहीं किया? नहीं। अगर करते रहते तो शायद और ज्यादा बेनिफिट। हाँ, जैसे मेरा सारा का सारा ये खाली था, अब ये जो इसमें नई ग्रोथ आनी चालू हुई है, हाँ इस करके मेरे को लगता है कि हाँ जी ये जो छोटे छोटे बाल है, हाँ जी जो भी है नए हैं सारे के सारे नए हैं। पहले कुछ नहीं था? बिल्कुल, जैसे हाथ ऐसे हाथ होता है इस तरह बिल्कुल प्लेन था। ये सारे आए हैं अब, ये सारा सारे के सारे। हाँ जी दोस्तों, इस सब को हम दोबारा से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बाल आते हैं ये किसी तंत्र मंत्र से नहीं आते हैं। श्री जोगिंदरपाल जी जो है जस्ट उस तरह लगाते हैं, हाथ में एक परमात्मा की सफ़ा है, एक नेचुरल तरीके के साथ उस तरह के साथ ही जो है करते हैं। अभी आप देख रहे हो मेरे साथ कि वो जो उस तरह लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और उस तरह के साथ ही जो है ट्रीटमेंट होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है जादूगरी नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी कलाकृति नहीं है, जस्ट उनके हाथ का करामात है और उस तरह की करामात है। लेकिन उस तरह की करामात सिर्फ ऐसी है कि भगवान की कृपा है तभी शायद जो मुंडन करने के साथ साथ जो बाल आ जाते हैं। मैं एक मिनट रोकने की कोशिश करूंगा, फादर साहब एक मिनट रुकिए। जे आप देखो, आपको वैसे बाल तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन उस तरह लगने के बाद जे जो बाल आप देख रहे हो जे सारे के सारे इधर से निकले हैं। और भाई ने बोला कि जे जो बाल हैं जे पहले कभी भी नहीं थे, जब उस तरह इन्होंने लगवाया था साल बाद और जो थोड़ा ट्रीटमेंट किया था उसी के साथ ये जो रीग्रोथ बाल हुए हैं उस तरह के साथ निकले हैं। लेकिन दिखाई कैमरे में कभी कभी नहीं देते हैं। इधर अगर आपको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा तो शायद आपको दिखाई भी देते होंगे, लेकिन उस तरह के साथ जो उतरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार हमने कोई कट नहीं किया, लगातार वीडियो चल रहा है। और आप देख रहे हो कि ये जो बाल हैं जो उस तरह के साथ निकले हैं और उस तरह लगातार जो है चल रहा है, और बाल जो है काफ़ी ज़्यादा भैया काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ। हाँ जी, मेरे एक्चुअली हमारे पूरे मतलब मेरे दादाजी के भी नहीं थे, मेरे पापा के भी नहीं थे, फिर मेरे भी आज से कोई 10-12 साल पहले सारे बाल झड़ गए और स्किन बिल्कुल प्लेन हो गई। आज मैंने जब इनसे एक साल पहले उस तरह लगवाया तो मेरे पास एक सर में ग्रोथ चालू हो गई। और ग्रोथ चालू हो गई, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? हाँ हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि देखो, जो लोग परेशान हैं, हम बालों को लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स फील करते हैं अपने अंदर, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छा। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही कोई फालतू का कोई खर्चा है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, ये अपने उस तरह से करते हैं और मन में अपने जिनकी शफा है उनका नाम लेकर। अभी आप देख रहे हो रेगुलर जो है श्री जोगिंदरपाल जी जो है अपना ट्रीटमेंट देते हुए, और भाई के सिर में जो है उस तरह लग रहा है और उस तरह के साथ आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा वो
जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं है बाल, लेकिन ये जो बाल निकले हैं ये सारे के सारे जिस जगह से निकले हैं वो जगह भाई ने बताई कि हाथ की तली जैसे थी। और भाई की अभी जो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, और भाई से बात कर रहा, भाई दिल्ली से कहाँ से हो? दिल्ली जहांगीरपुरी से। कम से कम आप 400-500 किलोमीटर से आए? हाँ जी। तो क्या लगता है, आप बाल दिखाओ। अभी आप देख सकते हो कि ये बाल है जो आपके सिर से उतरे हैं, पहले कभी ऐसा था? कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं। एक बाल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स रहता था मन के अंदर, ठीक है। कभी अपने रिश्तेदारी में जाने को, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं इनके साथ घूमने में मन का बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स फील करता था मैं। मेरे को इनके बारे में कहीं से पता लगा तो, जबकि लोग मुझे खूब कहते थे कि कोई कहता था विग लगवा लो, कोई बोलता था कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, इस तरह की बातें करते थे, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं किया। ये मेरे मित्र हैं अतुल मेहरा, ये मेरे को यहाँ तक मतलब इन्होंने पहुँचाया। हाँ जी अतुल जी, आपको कैसे पता चला था? सत श्री अकाल सारे वीरानू। हाँ, मुझे भी YouTube के माध्यम से ये सब पता चला था। जैसे लाइक हम लोग सर्च करते हैं वीडियो या YouTube पे सब कुछ देखते हैं, हर चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपडेट रहने के लिए। तो जैसे ही मुझे YouTube पे आपका वीडियो दिखाई दिया तो फिर मेरे अंदर एक मन में जागी विचारधारा कि क्यों ना इसको हम सबसे पहले अपने ऊपर आजमा के देखें। जैसे ये मेरा मित्र है, बचपन से हम लोग साथ में दोस्त हैं 40 साल से, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहला अगर फ़ायदा हमारे घर को पहुँचे तो फिर हम बाकी लोगों को भी जागरूक करें कि नहीं, जिन लोगों के मन में कॉम्प्लेक्स आ जाता है ये सोच के यार हमारे सिर से बाल चले गए तो लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, या कैसे कोई हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले अपने दोस्त के साथ अगर ये ट्रीटमेंट करवाया और उसको फ़ायदा हो रहा है तो हम अपने बाकी जानने वालों को भी ये कहेंगे आप लोग भी प्लीज़ जाइए, अपने मन के विचार जितने भी हैं उन सबको जा करके आपको खुद से देखिए, पता लगेगा, महसूस कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर कोई आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता, कोई ऐसा नहीं कहा जाता कि हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके लाखों रुपए लगते, इतने हजारों हमें भी दो कम से कम, एटलीस्ट ऐसा तो कुछ नहीं है। जो लोग ज़्यादा पैसा लेकर के इलाज करते हैं किसी का, तो इसका मतलब है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, और जो लोग अपनी श्रद्धा से ये फ्री सेवा देते हैं तो इसका मतलब है कि उनको भगवान ने एक आशीर्वाद दिया हुआ है कि आप लोगों की सेवा करो और आपको तो हम खुद से देख लेंगे। धन्यवाद। जैसे अतुल जी दिल्ली से पहुंचे हुए हैं भैया के साथ, और अतुल जी ने इनको बताया था। अच्छा, एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आपने इनको बताया, इन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और इनको बेनिफिट हुआ, तो आपको कैसा लगा कि मेरा बताना सही हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा अगर मेरे दोस्त को कोई खुशी मिल रही है तो उसके लिए अगर मैंने कुछ किया है तो ये कोई मतलब मेरे दोस्त के ऊपर कोई मेरा एहसान नहीं है। मैं तो चाहूँगा ना कि मेरा दोस्त ठीक रहे, उसके साथ सब चीज़ें अच्छी हों, तो अगर उसको फ़ायदा हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। अगर नहीं होता तो फिर आपको? सर, नहीं होता तो फिर मेरे को अपने ऊपर थोड़ा सा फील होता यार, मैंने अपने दोस्त को इतना समझा के लाया, सब कुछ करा और उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो फिर अच्छा थोड़ा महसूस नहीं होता, बट अभी अच्छा लगता है जी। क्या बात है, देखिए जी, देखिए जे ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी सालों से हम लोगों ने कोई भी ट्रीटमेंट जो काम कर रहे हैं, कोई कोई आता है तो हमने वीडियो डालना भी बंद कर रखा था, क्योंकि वीडियो डालना हमने वैसे बंद कर दिया था, लेकिन भाई आए हैं तो भाई ने कहा कि यार आप वीडियो दोबारा से डालो, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनको बेनिफिट हो जाए। हेयर ट्रीटमेंट के लिए आपको कभी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की कृपा काफ़ी ज़्यादा है श्री जोगिंदर पाल जी के ऊपर। हेयर ट्रीटमेंट के लिए आप इनके पास आराम से आ सकते हो और अपना ट्रीटमेंट जो है ले सकते हो। संडे की संडे खास करके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि संडे के संडे फादर साहब बिल्कुल फ्री होते हैं और फ्री टाइम में आपका इलाज ज़रूर करेंगे। भाई एक बात बोल रहे थे कि जहाँ से जाने के बाद घर पे इनको कुछ महसूस होता है, क्या महसूस होता है सुनते हैं। हाँ जी, मैं जैसे इनसे फादर इनसे उस तरह लगवाता हूँ तो उस तरह लगवाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अब दिल्ली से आया हूँ, आज मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा रात को, तो कल सुबह मेरे को ऐसा लगता है, महसूस होता है। जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम भी लगवाया था तो आज तक तो ऐसे सर में कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। जैसे उस तरह लगाने के बाद एक दो दिन बाद ही मेरे को ऐसा फील होने लगा कि हाँ मेरे को ना सर पे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, जैसे पहले कि हल्का हल्का था मेरा सिर,
सारा हल्का हल्का होता था। जब उस तरह लगा तो उसके बाद एक दो दिन में ऐसा लगने लगा कि हाँ ये ना उंगलियाँ अटकने लगी, यानी कि इन्होंने उस तरह लगाया और मुझे वो महसूस होने लगा कि हाँ जी, जैसे मैं शेव करवाता हूँ, शेव करा के अगले दिन आती है वो चुभती है, तो इसी तरह मुझे इस पर भी चुभने लगा। तो वो आपको फील हुआ कि अभी बेनिफिट होगा? हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ पर ना और भी भाई बैठे हुए हैं, काफ़ी भाई बैठे हुए हैं, भाई ये जो बात इन्होंने लास्ट में बोली है ना, हमने तो नहीं सिखाई है। नहीं नहीं, मैं कई लोग वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि शायद इन्होंने आप ही सिखा दिया, फिर बोलोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम वीडियो देख रहे हैं, वो अपने आप ही बता रहे हैं। आप ही बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या महसूस हुआ? ये बाल आने लग गए। भैया आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छी जगह पे आ गए। जो बेचारे भाई मेरे समय से पहले जिनके बाल गायब हो जाते हैं, अगर उनको इन लोगों की वजह से उनके बाल अगर आ जाएं तो उनकी तो भाई उनकी तो चांदी चांदी हो जाएगी, और जब चांदी हो जाएगी तो फिर चांदी तो फिर चांदी है, फिर चांदी तो फिर उसकी तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो भाई आपने अभी अभी जो देखा है कि भाई का जो है मुंडन दोबारा से कर दिया गया है, और कोशिश करेंगे कि हर संडे की संडे हम लोगों को ट्रीट करें। जो पहले काम बंद कर चुके थे लेकिन हमने दोबारा शुरू किया, शुरू सिर्फ भाई लोगों की वजह से किया, क्योंकि काफ़ी भाई बोल रहे हैं कि आप शुरू करो, क्योंकि जिनको बेनिफिट हो रहा था जहाँ हुआ है वो अपने आस पड़ोस वालों को भी लेके आना चाहते हैं। तो लगातार अभी हम लोग भाई का ट्रीटमेंट शुरू किया है, और आगे अगर आप भी आना चाहते हो तो वेलकम है, आप आके अपना ट्रीटमेंट जहाँ से ले सकते हो। हेयर ट्रीटमेंट श्री जोगिंद्रपाल, अभी नई लोकेशन जो कि गुरदासपुर से बटाला रोड के ऊपर है, यहाँ पे सिद्ध पोली आगे जाके आप पहुँच सकते हो और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। धन्यवाद।